सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है खबरों का। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीजी कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम की जनसभा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। बता दें कि जनसभा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पीजी कॉलेज प्रांगण में स्थापित बाबू राजेश्वर सिंह की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। मालवी कहे जाने वाले स्वर्गीय राजेश्वर सिंह जी की मूर्ति का अनावरण है और इसी के उसी कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी का आगमन गाजीपुर में हो रहा है। उसी की तैयारी को देखते हुए ये हम लोग बैठक कर रहे हैं प्रधानों के साथ। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है जो कितने बजे तक आएंगे? महाराज जी का करीब मुझे लगता है 11:30-12 बजे तक मुझे आना है। खबर में हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ रहे हैं। पवन, क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि सीएम अभी कुछ देर बाद गाजीपुर में पहुंचने वाले हैं? हम आपको बता देना चाहते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर में एक जनसभा संबोधित करेंगे। इसी को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां 2 दिन पहले ही शुरू कर दी थी, क्योंकि प्रोटोकॉल पहले ही आ गया था। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीजी कॉलेज में बाबू राजेश्वर सिंह के मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके तत्पश्चात इसी कॉलेज के प्रांगण में पौधारोपण का भी कार्यक्रम होगा। उसके बाद एक विशाल जनसभा संबोधित करेंगे। क्या प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ तैयारियां की गई है वहां पे? जी, प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं और कल मुख्यमंत्री का मऊ में कार्यक्रम था, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हुई मऊ में कि मौसम खराब हो गया और मुख्यमंत्री कल बाई रोड मऊ गाजीपुर होते हुए बनारस पहुंचे। वहां पे राजेश्वर सिंह की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, तो और क्या कुछ इंतजाम हुआ है इसका? जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि मूर्ति अनावरण को लेके भाजपा नेताओं में काफी उत्साह है, क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों को गाजीपुर में आके अपने हाथों द्वारा बाढ़ राहत सामग्री भी दिए हैं। और जब अब की मुख्यमंत्री का दूसरी बार गाजीपुर में आगमन है, इसके लिए भाजपा नेताओं ने अपनी कमर कस ली है और बहुत जोर शोर से इसकी तैयारियां चल रही है। और मुख्यमंत्री 12:50 पर आप हमारे ठीक पीछे देख सकती है कि जो स्टेज बना हुआ है 12:50 पर ठीक वो गाजीपुर में पुलिस लाइन में आगमन कर फिर बाई रोड पीजी कॉलेज में आएंगे। वहाँ की जनता का क्या माहौल है सीएम क्योंकि वहाँ पे पहुँच रहे हैं? जी, अभी चूंकि ये पीजी कॉलेज ग्राउंड है और यहाँ पे छात्र छात्राओं की उपस्थिति काफी देखी जा रही है और चूंकि सुरक्षा पुख्ता के बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम किए गए हैं, इसलिए जनता के लिए एक अलग से गेट बनाया गया है कि जो जनता है वो एक अलग उसके लिए गेट है और वो अलग गेट से आ रही है। छात्र छात्राओं को क्या कुछ लेकर तैयारियां हैं सीएम के लिए, क्योंकि सीएम पहुंच रहे हैं वहां पर? जी, हम बता दें कि छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैपटॉप वितरण और मोबाइल भी वो अपने हाथों से देंगे। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर दिल्ली से है, जहां आजाद मार्केट में इमारत ढह गई जिस हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
बता दें कि आजाद मार्केट में इमारत ढह गई है जिसमें दो लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। वहीं पर मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां भी पहुंची है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इमारत कितनी बुरी तरीके से ढह चुकी है। और इसमें अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण मिश्रा। प्रवीण, एक इमारत ढह गई जिसमें दो लोग बुरी तरीके से घायल भी हो चुके हैं आजाद मार्केट में दिल्ली के, और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? हमारा प्रवीण जी, प्रवीण से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से उनसे संपर्क कर रहे हैं। प्रवीण, आजाद मार्केट में इमारत ढह गई जिसमें दो लोग बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं। और इस खबर पे हम अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पवन। पवन, आजाद मार्केट में इमारत ढह गई और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? और इस खबर में हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए पवन जुड़ गए हैं। पवन, आजाद मार्केट में इमारत ढह गई जिसमें दो लोग पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, आपको बता दूं, लगातार जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, जिस तरह से जो एक सकरी गली के अंदर में इमारत बनाई जा रही थी, 4 मंजिला इमारत, कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। और ये गटिया पत्थर से बन रही थी इमारत, क्योंकि अगर हम कोई सीमेंट की किसी तरह से जो बीम खड़ा करके जिस तरह से इमारत बनाते हैं तो उसमें मजबूती होती है, तो कहीं ना कहीं जो ये इमारत बनाई गई है गटिया पत्थर से, तो कहीं ना कहीं ये 4 मंजिला इमारत बनाने की आखिर परमिशन किसने दी? हालांकि जो परमिशन के विरुद्ध जिस तरह से इमारत बन रही थी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसमें अभी तक जो 4 लोग घायल निकल पाए हैं, लेकिन 15 लोग बताए जा रहे हैं वहां पर, जिस तरह से जो लोग कार्य करते थे, जो मजदूर थे वहां पर काम करते थे, सुबह 8 बजे घटना है, 8 बजे तकरीबन वहां से बच्चे भी निकलते हैं स्कूल के लिए। हालांकि कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि लगातार यहाँ पर जो मजदूर काम करते थे, लगभग 15-16 जो मजदूर थे यहाँ पर काम करा करते थे, तो उसमें से जो अभी तक जो 4 मजदूर निकाले गए हैं, जो घायल अवस्था में इनको अस्पताल के लिए उपचार के लिए भेज दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं उनका भी कहना है कि जो स्कूल जा रहे बच्चे हैं उनमें से भी कुछ बच्चे लापता हैं, जिनसे हाल खबर अभी नहीं मिल पा रही, हो सकता है वो बच्चे भी इस मलबे के अंदर दबे हों। हालांकि जो एनडीआरएफ की टीम है और जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, हालांकि जो सिविल डिफेंस की है, दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग भी वहाँ मौजूद है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि गाटर पत्थर काफी भारी भारी है, उसको निकाला जा रहा है, और वहाँ के जो लोकल रहने वाले वो भी वो मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मलबा आप देख सकते हैं किसी झज्जर क्वालिटी का मलबा था, जिसके साथ चारों तरफ मट्टी और गटिया पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो अभी मलबा हटाने की जो जद्दोजहद में जो पूरा वहाँ का लोकल पुलिस और प्रशासन सभी लोग वहाँ मुस्तैद है, कहीं ना कहीं एनडीआर और 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहाँ मंगाई गई थी, किसी तरह से जो दिक्कत ना हो, ज्यादा परेशानी ना हो, तो उसको एहतियातन देखते हुए कहीं ना कहीं ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है, इससे पहले भी दिल्ली में कई हादसे हो चुके हैं, जो बड़ी बहुमंजिला इमारतें हैं जिस तरह से जो धराशायी हो गई है, और कई लोग उसमें मरे भी हैं, कई लोग घायल भी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी तेजी से चलेगा और साफ तौर पर उसमें कितने लोग घायल अभी निकल सकते हैं, या किसी की क्षतिग्रस्त हो सकता है, या कोई ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, तो ये भी इस पर भी काफी ध्यान दिया है, क्योंकि गठिया पत्थर हटाने के लिए भी एहतियातन बड़े सूझबूझ से काम किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो निकालते समय कोई आदमी जो घायल भी होगा तो भाई उसके ऊपर कोई अन्य सामान ना गिर जाए, तो ये भी बहुत चीज पे ध्यान रखी जा रही थी। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान है इस पे? देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया, क्योंकि जो 4 लोग अभी घायल थे उनको अभी अस्पताल के लिए उपचार के लिए भेज दिया गया है। हालांकि जो वहाँ के जो लोकल जो बच्चे वहाँ पर जो स्कूल जाया करते थे, क्योंकि पतरी गली है, आप गली देख सकते हैं किस तरह से बनी हुई है, उसके अंदर में 4 मंजिला इमारत बनाना, वो भी घटिया पत्थर से, इतनी बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन
कहीं ना कहीं अभी शासन प्रशासन जो भी वहाँ पर आला अधिकारी पहुंचे हैं तो अभी इस तरह का कोई बयान नहीं दे रहे। हालांकि जब पूरी बात सामने खुलकर आ जाएगी, जिस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा आखिर ये किस तरह से बिल्डिंग को निर्माण किया जा रहा था और किस तरह से ये बिल्डिंग में कौन कौन सी चीजें लगाई जा रही थी। हालांकि आप मट्टी का जो अंबार देख सकते हैं, क्योंकि उसमें चारों तरफ मट्टी ही मट्टी दिख रही है। हालांकि इसमें सीमेंट और जिस तरह से जो मोरंग या जो उसमें बदरपुर दिलाया जाता है वो कहीं नहीं दिख रहा है, और जो ईंटों की हालत है, ईंटें भी साफ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। हो सकता है जो मालिक है जिसने ये निर्माण बनाने के लिए बोला हो, तो कहीं ना कहीं उसने इस तरह से कार्य करवाया हो, लेकिन ये परमिशन ना लेने की वजह से इस तरह का जो हादसा देखने को मिला है दिल्ली के आजाद मार्केट से। ये 30 महल का पूरा क्षेत्र है जहाँ पर ये हादसा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, खासतौर पर जो छोटे बच्चे उस गली से गुजर रहे होंगे, अगर वो बच्चे सकुशल पहली बात तो निकल जाने चाहिए, अगर क्योंकि जो उनके पेरेंट्स है उनका खासतौर से कहना है बच्चों को अभी पता नहीं चल पा रहा है, बच्चे अभी स्कूल नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं ना हालांकि हो सकता है कि उस गली के अंदर जब मलबा गिरा है तो बच्चे इससे भी दबे होने की आशंका हो सकती है। बहुत बहुत इतनी जानकारी के लिए देने के लिए हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। फिलहाल के लिए इस खबर पे बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।